கதிரி விழிவகை தீரே வெளிசவாரமா கைத்தி மறிவேனோம் வெளிசவாரமா கைத்தி ஓஹோ ஓஹோ கதிரை விழிவா கதிரை விழிவகை தீ. SEWA is an organisation of poor, self-employed female workers. These are women who earn a living through their own labour or small businesses. They do not obtain regular salaried employment with welfare benefits like workers in the organised sector. They are the unprotected labour force of India. This is the story of Shanta. When I was 12 years old, I used to write a और जो मेरे भाई बहन है वो सब लोग हम एक साथ में कागज चुनने जाते थे. मेरा मम्मी पापा है वो जो कष्ट वो कड़िया काम करते थे और हम सब एक साथ में रात को इकट्ठा होते, सुबह में चले जाते थे फिर रात को आते थे. जो गटर का गंदा कचरा होता है, गटर में से जो पन्नी बनी वाला नहीं कचरा होता है, वो एक कट्ठा उधर डालते थे जो वेजलपुर साइड है उधर. तो उसमें से हम 5-6 किलो पन्नी निकाल के शाम के टाइम 10 किलो पन्नी हम इकट्ठा कर लेते थे, फिर शाम के टाइम 5-6 बजे बेचते थे. ऐसे कर करके मैं हो गई 16 साल की. 16 साल के बाद मेरी शादी कर दी मम्मी ने, फिर मेरे वो को एक बच्चा हो गया, मेरा बड़ा वाला लड़का हुआ. बड़ा वाला लड़का हुआ फिर मेरे को बहुत तकलीफ़ पड़ी, तो मैंने हमारे घर वालों को बोला मेरे को गाँव नहीं फाता है. फिर उसको पीने की आदत पड़ गई, तो जाता नहीं जाता था ऐसा चल रहा था मेरा. फिर मेरी दूसरी लड़की मेरे को पेट रही, ये छोटी वाली. फिर जो हमें खोली में 3-4 महीना का भाड़ा हो गया तो मैं नहीं भर पाई थी, तो मेरे को बोला खाली कर दो भाई, तुम नहीं भाड़ा दोगे तो एक दीवार जैसी थी उसमें मैंने सब मेरे कपड़े वपड़े लगाए और उसी में बाहर में ही रही कंतान का वो मैंने खोली बना के. फिर मेरा लड़की थोड़ा बड़ा हुआ तो सेवा में से एक बहन आई कि बहन तुम मेरी सभ्य बनोगी, तो हमको 5 रुपये होते तो मेरी लड़की को मैं नहीं दवाई बवाई ला के दे दूँ, तो तुमको 5 रुपये दूँ, मेरे को कोई सभ्य बभ्य नहीं होना है, अब जाओ बहन. एक बार सेवा में गई तो सब बहनों को देखा तो कितनी सारी बहनें, उसने ने मेरे को घी भी दिया, मेरे छोटी बच्ची का कपड़ा दिया और खाना बना. फिर मेरे को पता चला कि दुनियादारी क्या होता है. फिर ये सेवा की जो बहनें आती है वो हमको सिखाते हैं. सेवा एक राष्ट्रीय यूनियन है. सेवा असंगठित क्षेत्र की बहनों, कामदार बहनों को संगठित करने का काम करती है और अपने देश में 94% असंगठित क्षेत्र के कामदार है. जो सेवा में जो असंगठित क्षेत्र की बहनों है उसमें एक वेस्ट पिकर का ग्रुप है कि वो बहनों को हम हर एक एरिया में जाते हैं, उसको संगठित कर मीटिंग करते हैं और उसको संगठित करते हैं. तो तुम पहले कहो, तो मैं मीटिंग में जाके कहती थी मेरे एरिया में ये है, मेरे एरिया में एक पिठा जो होता है वो कचरे का कबड्डी वाला का, एक जगह ज़्यादा पैसा देता है एक जगह कम देता है. और फिर मेरे को वो कैंपेट टीम में ले लिया कि भाई तुम जाके किसी बहन को समझा अच्छी तरह से समझा सकती हो. तो सब एक एक करके सेवा में आए और सेवा में बहनों जुड़े, तो अभी मेरे पास 2000 बहन का संगठन है. The women of SEWA strive for full and fair employment so that they can secure income, food, healthcare, childcare and shelter for their families. खाना बना मिल जाता था और अच्छी वो, अभी मैं अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी नौकरी मिले और उसका अच्छा जीवन गुजारन हुए, इसे कमा बमा तो मैं लेती हूँ अभी सेवा की दया से. सब तो मैं जान गई हूँ कैसे होता है काम काज. With over 2 million participating women, SEWA is the largest non-profit in India and is often recognized as the most influential union in the global informal economy.